गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो यस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस शॉर्ट पोयम एंड विद द वर्ड मीनिंग. सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डे आई शुड लाइक टू रैप. ये एक ऐसा दिन है जिसे मैं बिल्कुल रैप करके, कल ही मैंने आपको मीनिंग बताया था, रैप का मीनिंग होता है फोल्ड करके रख दूँ इन शाइनी सिल्वर पेपर, एक चमकते हुए सिल्वर पेपर से, एंड ओनली ओपन व्हेन इट्स रेनिंग, और उसे तब ही खोलूँ जब बारिश हो. दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ डे आई शुड लाइक टू हाइड. ये एक ऐसा दिन है जिसे मैं छुपा के रखना चाहता हूँ इन अ सीक्रेट ड्रॉअर, एक सीक्रेट ड्रॉअर में, टू विच ओनली आई हैव द की, और उस सीक्रेट ड्रॉअर की सिर्फ मेरे पास ही हो. This is the sort of day which I should like to hang at the back of the wardrobe. ये एक ऐसा दिन है जिसे मैं hang करना चाहता हूँ, जैसे ये wardrobe में hang कर रहा है, लटका रहा है, at the back of the wardrobe, अपने cupboard में, to keep me warm when winter comes. जब ठंड आएगी तो मुझे वो गर्म रख सके, तो मैं इसे अपने wardrobe में रखना चाहता हूँ. दिस इज़ द डे आई शुड लाइक टू लास्ट फॉर एवर. ये एक ऐसा दिन है मैं चाहता हूँ जो हमेशा मेरे साथ रहे. दिस इज़ माई बर्थडे, और वो दिन है मेरा बर्थडे. सो स्टूडेंट्स, आपको रीडिंग की प्रैक्टिस करना है और वर्ड मीनिंग्स भी अच्छे से पढ़ लेना है, और वर्ड मीनिंग्स आपको कॉपी में लिख लेना है. कल हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे. सो हैव अ गुड डे.